मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सीरियल ये है मोहब्बतें में कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग तो चलता ही रहता है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अचानक से ही सही लेकिन सीरियल में कुछ अच्छा हुआ। असल में हम बात कर रहे हैं कि इशिता किडनैप तो हुई, लेकिन इशिता तो इशिता है, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। वो भागने में कामयाब हो गई। इधर इशिता भाग निकली तो उधर जज ने रूही की कस्टडी इशिता को दे दी। रूही की कस्टडी मिलने से पूरा भल्ला परिवार काफी खुश है और इशिता और रमन की खुशी तो सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इशिता को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे और कैसे रिएक्ट करे। इन सबसे ज्यादा टेंशन तो शगुन को है कि उसका क्या होगा, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। वैसे फिलहाल तो शगुन को भी नहीं पता कि वो करेगी क्या, लेकिन ये तो तय है कि रमन और इशिता थोड़े भी करीब आए ये शगुन को गवारा नहीं है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। ये है मोहब्बतें के प्रीकैप प्रोमो से भी साफ पता चलता है कि शगुन जल्द ही बनेंगे विलन और फिर कहानी में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट। दर्शकों को भी थोड़ी विलन टाइप वाली शगुन ज्यादा पसंद आती है जो सीरियल में जल्दी ही दिखने वाली है। असल में शगुन भी जाकर अशोक और निधि से हाथ मिला लेगी और रमन इशिता को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। इधर रमन और इशिता के बीच की दूरियां भी घटने जा रही है। इसके अलावा इस सीरियल में और कौन कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, आइए जानते हैं इस सीरियल की रूही से। हाँ जी, अभी हमें आइसक्रीम पार्लर में तो आए हैं, पर मुझे हॉस्पिटल का बोर्ड दिख जाता है, फिर मैं पूछती हूँ कि वही हॉस्पिटल जहाँ पीहू पैदा हुई थी, एंड फिर तो सब कुछ कनेक्ट करने लग जाती हूँ कि मुझे याद आ जाता है एकदम से वही हॉस्पिटल है। और फिर मैं पेट दर्द का बहाना करके वो हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ ताकि मैं पीहू को बता सकूँ कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ गया था और वो कैसे आई है। ये वही 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 हाँ, सोचा तो है कि वहाँ पे जाके उसको सरोगेट बेबीज दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ऐसे होता है, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम। तो ये थी सीरियल ये है मोहब्बतें की रूही। फिल्हाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।